हेलो दोस्तों, विवेक गुप्ता इज़ हियर। आज इस वीडियो में बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने पीछे खड़ी हुई ये एक्सल 6 2020 वाली, ये देख लो 91-69। गाड़ी कितनी चल चुकी है पहले इसकी बात करते हैं। अभी देखो यहाँ पे, और कुछ खास है मेरे पास आप लोगों के लिए। पहले देख लो रीडिंग, बहुत टाइम टेकन है। आने दो भाई, देख लिया आपने, मतलब 65,000 चल चुकी है। अब इतने पे आता है इसका टायर का काम। तो आज हम मेनली जा रहे हैं इसमें टायर इंस्टॉलेशन कराने के लिए। मैंने आपको दिखाई दिया अभी एक वीडियो में कि पुराना टायर कैसे है और क्या कंडीशन है उसका। अच्छा, इससे पहले हमने जो टायर अपग्रेड कराए थे वो कराए थे करीबन 30,000 से 35,000 किलोमीटर्स पे। अभी 65 चल चुका, मतलब 35,000 किलोमीटर के बाद फिर से री अपग्रेड कराऊँगा दो टायर। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सा ब्रांड लगवाते हैं, कैसा टायर रहता है और क्या क्वालिटी रहती है और क्या प्राइसिंग रहती है, मेन चीज़। फटाक से चलते हैं शॉप पर, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ टायर। अभी भाइयों, जो टायर थे पुराने जो मैंने इंस्टॉल कराए हैं रिप्लेस करा के, उसमें से एक अपना था गुडियर का, जो कि हमने चेंज कराया था वही यहाँ तक 40-45 पे टायर फट गया था अपना, जो वो वाला ब्रिजस्टोन वाला। अब देखो गुडियर की क्या है, 30-40,000 ये चले हैं, ज़्यादा नहीं। तो कंडीशन देखो यार, ख़त्म से हो गए एकदम टायर, ये ख़त्म हो गया था, इसको चेंज करना पड़ा और कुछ दिन तक स्टेप नहीं मिलाना था। तो ये है अपनी गुडियर की क्वालिटी, जो कि मुझे ब्रांड कुछ खास नहीं लगी गुड़िया, उससे ज़्यादा तो ब्रिजस्टोन चला है। भले ही वो फट गया था जल्दी, पंचर ज़्यादा होता था, लेकिन चला है ब्रिजस्टोन ज़्यादा। अब बात करते हैं इसके बारे में टायर को, क्योंकि कंपनी फिटेड अपने आए थे। ये है कॉपिया अपना ब्रिजस्टोन का, इसका भी देख लें, इसमें अभी भी 20% बचा हुआ है, मतलब इससे तो अच्छा क्वालिटी ही है, देख सकते हैं 20% बचा हुआ तो एकदम ख़त्म हो चुका है। तो मेरे हिसाब से यार, कंपनी जो लगा के दी थी, बस क्या उसमें प्रॉब्लम था, पंचर होते थे ज़्यादा, फट जाते थे, उसमें सक्सेस नहीं थे, लेकिन चला जाता है, क्लियर चला जाता है। ये अपना 60-65,000 चला है और वो अपना 30,000 या ज़्यादा 20-25,000 चला है। मेरे हिसाब से अच्छा था। अब जो नया इंस्टॉल कराए हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका क्वालिटी कैसा है। चलो इसको अंदर रखते हैं। अब आप लोग बोले होंगे कि ये टायर में वहाँ पे वापस भी देकर आ सकता था, लेकिन मैंने वापस क्यों लिया, इसके पीछे का जानते हो वजह क्या है। वहाँ पे इस टायर के ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये काटते हैं, लेकिन ये टायर हम लोग के इधर सेकंड हैंड में ले लेते हैं। पूरा पूरा टायर का फैक्ट्री टाइप का है, वो फिर लग के जाता है कानपुर और फिर उसका आधा रिसाइकिल होता है उसके आगे, मतलब उसको पूरा क्रश कर देते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं दिया। और अच्छा खासा दाम मिल जाता है, मतलब अगर 3-4 टायर होगा तो आपका 800-900 रुपये मिल जाएंगे। तो मेरे पास पुराना टायर भी कुछ पड़ा हुआ था गाड़ी का, मैंने सोचा एक साथ ही सब उसको दे देंगे, इसलिए मैंने उनको इसका दोनों का 100 रुपये वो काट रहे थे, इसलिए मैंने नहीं दिया। सिंपल सा बात ये है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो चलो भाई, फाइनली एक शॉप मिल गई है जहाँ पे हमको जो टायर चाहिए था वो मिल चुका है। दिखाता हूँ आपको, अभी मैं दो टायर्स के बीच में कन्फ्यूज हूँ, दो ब्रांड्स के बीच में, किसके साथ जाना चाहिए किसके साथ नहीं, चल के आपको बताता हूँ। एक तो यार इधर मुझे, पहले मैंने जो MRF वाला डलवा लिया था उसमें मैंने गलती कर दी, क्योंकि उसमें कंडीशनल वारंटी आती है और वो भी मुझे पड़ा हुआ था 4,800 रुपीज़ का, यहाँ पे वो 44 का ही पड़ रहा है। अब वो हम लोग मनकापुर में डलवाए थे, क्योंकि यार इमरजेंसी में गाड़ी का टायर फट गया था ना, स्टेपनी हम लोग का पहले से लगा था, तो वो डलवाना ही पड़ा। लोगों को सब्र नहीं है यार, अभी थोड़ा सा छुआ दूँ तो मान जाएंगे, लेकिन नुकसान मेरा भी होगा। सब्र करो भाई मेरे, सब्र रखना सीखो। चलो ये पड़ता है नेशनल टायर, ये देखा नहीं नेशनल टायर यहीं पे मिलेगा। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा टायर हमने दो सेलेक्ट किया है। तो भाइयों यही है वो जो ब्रांड जिसमें मैं था बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज, सोच के तो गया था योकोहामा लेने, लेकिन देखो आगे क्या होता है, दुकानदार ने पूरा ही माइंड चेंज कर दिया है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ कौन सा लूँ, बहुत ही ज्यादा उसने बताया, देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें देखो ये थोड़ा कुछ ऐसा पैटर्न है और ये पुराने जैसा ही पैटर्न है अपोलो वाला। मुझे तो पर्सनली योकोहामा काफी अच्छा लगा पैटर्न वाइज, बाकी अभी भी बहुत कंफ्यूज है। हजारों साल सोचने के बाद अब निकलता है डिसीजन और हम लोग जा रहे हैं लगवाने अपोलो का टायर, जो कि अभी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। और यहीं पर हम लोग के साथ होता है एक स्कैम, इससे आप लोग बच के रहना और पूरी लास्ट तक वीडियो देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या होता है हम लोग के साथ स्कैम। तो फिर चलिए देखते हैं।
अच्छा लगे हाथ हमने जब टायर चारों चेंज करा तो सोचा अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी करा ही लेते हैं, क्योंकि तो टायर तो चार यार नए ही हो गए हैं, तो नया अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराने की तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। आप लोग भी जब भी टायर चेंज कराइए तो नए टायर जब भी डलवाइए चारों, इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, तो हमेशा अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराइए। अभी देखो वहाँ पर बैलेंस ऐड कर रहे हैं, मतलब एक मैगनेट ऐड कर रहे हैं ताकि बैलेंस बराबर हो जाए, और ये कुछ ऐसा है रिपोर्ट। तो चलो ये सब कराने के बाद, फ्री होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ सारा का सारा डिटेल कि कितना यार कॉस्ट आया, क्या प्राइसिंग आया सबसे मेन बात। और यहाँ पर ये अलाइनमेंट का आप कर रहे हैं काम, नहीं हाँ अलाइनमेंट का ही कर रहे हैं, बैलेंसिंग तो हो चुका है। ये कुछ ऐसा लगाते हैं और अंदर भी कुछ लगाते हैं स्टीयरिंग पे, ऐसा कुछ पता नहीं क्या है और पता नहीं कैसे करते हैं, आई डोंट नो। और यहाँ पर कुछ ये इतना आउट था हमारा अलाइनमेंट, जो कि अभी ये बराबर कर देंगे। अब चलो आगे देख, आप लोग को मैं दिखाता हूँ कौन सा टायर है। तो वो है ये जो कि अपना अमेजर आता है अपोलो की तरफ से, 4G लाइफ 185/65R15, मतलब सेम टायर हमने अपग्रेड कराया है, मतलब दूसरे ब्रांड में। अभी इसके पीछे क्यों गया मेरा और क्या मेन प्रोस्पेक्टिव था वो बताता हूँ, और जो मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में दिखाया ही होगा कि पुराना टायर का कंडीशन क्या था। अभी ये एक अपना आगे का ये एक टायर हो गया, उधर भी सेम ब्रांड हमने डलवाया हुआ है ये, और इधर पड़ा हुआ है MRF का जो कि मैंने 10 दिन पहले इसके डलवाया था। अब MRF पे मैं क्यों नहीं गया और क्यों MRF डला इसका भी कहानी मैं अंदर बैठ के बताता हूँ, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद में इधर अपना पुराना ब्रिजस्टोन वाला इकोपिया पड़ा हुआ है जिसकी कंडीशन अभी पड़ी हुई है, यहाँ तक 40-40% तक अभी ये सही है टायर। अब मैं बताता हूँ आपको स्टोरी कि क्या है अपोलो डलाने के पीछे का रीज़न। तो भाई ये अपोलो डलाने के पीछे का रीज़न ये है सिंपली, जैसे कि मैं गया था माइंड सेट एक बना के कि मैं डलाऊंगा इसमें योकोहामा का Earth 1, क्योंकि बहुत ही गजब का टायर आता है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में, बढ़िया ब्रांड में, और आप लोग जानते ही हैं योकोहामा अनकंडीशनल वारंटी के लिए फेमस है। और वहाँ पे जब गया, मतलब आप किसी भी शॉप पे जाते हो, आप एक गाड़ी लेने भी जाते हो ना तो कन्फ्यूज कर देते हैं आपको, और लेने जाओगे अल्टो तो लेकर आओगे एस्प्रेसो, यही वाला हाल हम लोग का हुआ। गए लेने के लिए योकोहामा, लेकिन उसके बाद में हमको लेना पर अपोलो। वहाँ पर उसने बताया कि यार अपोलो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा ब्रांड है। उसके बाद में बताया कि अनकंडीशनल वारंटी इसमें भी आती है, अनलिमिटेड क्लेम लेम इजली हो जाता है, मतलब माइंडसेट पूरा चेंज कर दिया मैंने, प्लेट हम लोग को कर ले गया। सीधी सी बात ये, तब हमने डलवा लिया अपोलो, और इसका प्राइसिंग हम लोग को पड़ा हुआ है 4300 पर टायर, और नहीं 5300 पर टायर, लेकिन इसमें भी हम लोग का लग गया नुकसान। उसके पीछे की वजह क्या है, ये है कि ये ऑनलाइन भाई मिलता है 4600 का, मतलब सीधा सीधा हम लोग का कट गया है। तो आप लोग कभी भी टायर लेना तो एक बार ऑनलाइन रेट जरूर चेक कर लेना, और योकोहामा ही डलवाना मेरे हिसाब से, ये अपोलो अपोलो कोई भी अच्छी ब्रांड नहीं है, योकोहामा ही डलवाओ सबसे अच्छा। अब मेरे तो गलती कर ही दी है, पिछले में योकोहामा ही डलवाएंगे, क्योंकि अब एक बार जो हो गया वो दोबारा नहीं रिपीट होने वाला, तो योकोहामा ही डलवाना। अपोलो मुझे उतना कोई खास नहीं लगा है, बाकी इसका टायर भी बहुत ज़्यादा घिसता है। अब डलवा लिया हो तो तारीफ़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि डलवाने के बाद मैं तारीफ ही करूँ ब्रांड की। मुझे जो जेन्युइनली अच्छा लगा या बेकार लगा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि मुझे अगली बार मैं योकोहामा ही डलवाऊंगा, अपोलो में कभी भी नहीं जाने वाला दोबारा, क्योंकि पहला तो प्राइसिंग में इतना फ़र्क आ जाता है, 5300 का मुझे डीलर ने दिया और 5300 का मुझे डीलर ने दिया और 4300 का टायर आता है, मतलब मोटा मोटा 700-800 रुपये एक टायर में मुझसे ज़्यादा लिया गया। और दूसरी बात कुछ खास नहीं है, क्योंकि ऐसे ही सेम मेरा गुडियर का मतलब था, पूरा का पूरा सेम ऐसे ही पैटर्न, और वो बहुत ही जल्दी 20-25 हज़ार किलोमीटर चला है। तो यही थी आज की कुछ वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सा टायर डलवाए हुए अपोलो लेकर आ गए। देखते हैं आगे क्या इसका क्लेम व्लेम मिलता है, 2 साल और 2 साल प्लस अनकंडीशनल वारंटी है, 50% टायर बचे हुए चाहिए, और 2 साल के अंदर कोई भी कटपट लगेगा तो करा सकते हैं। अब बात आती है MRF की, तो MRF में हम क्यों नहीं गए, उसके पीछे का वजह ये है कि हम लोग के मनकापुर में ही अचानक इसका टायर फट गया था, स्टेपनी के बगल जो लगा हुआ था मैंने आपको दिखाया था पूरा गुडियर वाला, मतलब फट गया था, तो हमको इमरजेंसी में MRF डलवाना पड़ा। इसमें सबसे मेन वजह इमरजेंसी की, क्योंकि हम लोग के एरिया में खाली MRF अवेलेबल था, और MRF की वारंटी जो है वो अनकंडीशनल नहीं है, मतलब आप लोग का कट जाता है फट जाता है कोई क्लेम नहीं मिलेगा, तो इसलिए MRF की तरफ नहीं गया, सबसे मेन वजह यही था। तो बस यही थी कुछ आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया कि यार योकोहामा की तरफ जाओ आँख बंद करके, चाहे जो कुछ भी बताए कोई भी पट्टी पैड़ा है, लेकिन MRF की तरफ मतलब योकोहामा की तरफ ही जाना। बाकी आप लोग को जैसा अच्छा लगे, तो बस आज की वीडियो कुछ ऐसी ही थी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। बस आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।